ये कभी मत कहिए कि आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि उन मुश्किलों से ये कहिए कि आपका हौसला उन मुश्किलों से कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 8 दिसंबर दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताएंगे मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है, आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, आज माँ लक्ष्मी का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। आज की तिथि है एकादशी। आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। सूर्योदय 7:01 AM, सूर्यास्त 5:24 PM। सूर्य राशि सूर्य वृश्चिक राशि पे है। अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:34 PM। आज का चाणक्य विचार। महिलाओं का दिल इतना कोमल होता है कि वो हर बात पर भावुक हो जाती हैं। कई बार उनकी इस आदत से आसपास के लोग परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बता दें कि महिलाओं का रोना आपके घर के लिए शुभ साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस चीज का जिक्र काफी अच्छे से किया है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि बार बार रोने वाली महिलाओं की काफी कद्र और उनका सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर रोने वाली महिलाओं की खासियत। चाणक्य नीति के मुताबिक जो महिलाएं बात बात पर रो देती हैं, दरअसल वो अपने पति और परिवार से दूर नहीं जाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाएं परिवार को सदैव एकजुट रखना चाहती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार रोने वाली महिलाओं के अंदर गुस्सा और किसी तरह का तनाव जमा नहीं हो पाता है। ये सब चीजें आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाती हैं। बात बात पर रोने वाली महिलाएं बेहद ही कोमल दिल की होती हैं। वे सबकी गलती को बुलाकर जल्दी उन्हें माफ कर देती हैं। ऐसी महिलाएं अपने मन में कोई भी बात ज्यादा देर तक लेकर नहीं बैठती हैं। जो महिलाएं बिना गलती के भी रोने लगती हैं, उनके अंदर अपने परिवार के लिए अटूट प्रेम भरा होता है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक बात बात पर रो देने वाली महिलाएं हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। उनके स्वभाव की यह खासियत पूरे परिवार को उनका मुरीद बना देती है। दोस्तों यदि चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशिफल। अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। आपकी आंखें चमकने लगेंगी और धड़कनें तेज हो जाएंगी आज जब आप अपने सपनों की राजकुमारी से मिलेंगे। यात्रा आपके लिए बहुत आनंददायक और फायदेमंद होगी। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। दोस्तों के साथ आप बेहद मजेदार समय गुजार सकते हैं। साथ ही ऐसी जगहों पर जाने की भी संभावना है जहां नए लोगों से मुलाकात हो सके। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करें, दिन अच्छा गुजरेगा। पारिवारिक जीवन में कुछ निराशा रहेगी। उचित व्यवहार और अच्छे विचारों के द्वारा आप इससे उभर सकते हैं। प्रेम के लिए सितारे आपके अनुकूल नहीं है। प्रियतम संग बहसबाजी हो सकती है। अपने प्रिय को नाराज ना करें। आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आप किसी काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ अलग करेंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर लें। आपका मन प्रसन्न रहेगा। हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। आपको सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आपके काम की प्रशंसा होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। व्यापार में इनकम बढ़ सकती है। गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं, सारे काम सफल होंगे। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। दफ्तर में आपका सहयोगी रवैया इच्छित परिणाम लाएगा। घर पर एक धार्मिक आयोजन आयोजित किया जा सकता है। बहुत अधिक काम का तनाव आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आज आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। गाय को रोटी खिलाएं, आपकी सेहत बेहतर रहेगी। पुराने किए हुए कामों से फायदा हो सकता है। पुराना दोस्त भी अचानक आपके काम आ सकता है। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो काम आपके लिए खास है वो आज ही निपटा लें। शांति से आपका दिन बीतेगा। आपकी मेहनत आज थोड़ी कम हो सकती है। कोई निजी समस्या है तो आपको उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। पैसों के क्षेत्र में कुछ नई पहल आप कर सकते हैं। आपको हर कोशिश में अपने जीवन साथी का साथ मिल सकता है। मछलियों को दाना डालें, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। भविष्य को लेकर बेकार में चिंता करते रहना आपको बेचैन कर सकता है। जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों से परखेंगे नहीं तो नुकसान हो सकता है। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने की कोशिश संतोषजनक साबित होगी। वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस होगा। जरूरत से ज्यादा सोना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है
और इसलिए पूरे दिन को खुद को अपना सक्रिय बनाए रखें। गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपका कार्य शिक्षण संस्थान से जुड़ा है तो आज लाभ मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, वर्किंग लोगों के प्रमोशन के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक प्रगति के लिए दिन अनुकूल है। आज पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, उनके साथ कहीं घूमने भी बाहर जा सकते हैं। सूर्य देव को प्रणाम करें, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आज इस राशि वालों का कार्य कौशल उभर कर सामने आएगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा परिपूर्ण हो सकती है। अपने व्यक्तिगत संबंधों को बहुत शांत रखें, ऐसा करके आप कई जटिलताओं से बच सकते हैं। नए कामों में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। पेशेवर स्तर पर आप अपनी अहमियत साबित कर सकते हैं। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपकी सभी परेशानियों का हल होगा। आज आप कोई अनबन या उलझा हुआ मामला सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलने के भी योग है। पुरानी बातें छोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई ऐसी बात या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए दिन सकारात्मक हो सकता है। पैसों का फायदा होने और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि आपके नाम होने की भी संभावना बन रही है। सुबह उठकर माता पिता का आशीर्वाद लें, सभी काम सफल होंगे। आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। आज आर्थिक तौर पर सुधार तय है। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें, जिन्हें आप चाहते हैं उनका दिल दुखाने से बचें। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। छोटे छोटे मामलों को लेकर हुए आपके आपसी झगड़े आज आपके वैवाहिक जीवन में कटुता को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि दूसरों के कहने और बहकावे में ना आए। अपने जीवन साथी के साथ एक कैंडल लाइट डिनर संभवतः आपकी हफ्ते भर की थकान को दूर कर सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सब अच्छा ही अच्छा होगा। आज व्यापार सामान्य लाभ देगा। आज पारिवारिक सुख में वृद्धि हो सकती है। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अधिकारी वर्ग से थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी काम में मन लगाने में परेशानी हो सकती है। आज सहयोगियों से मदद में कमी आ सकती है। अपने महत्वपूर्ण पेपर्स संभाल कर रखें। पशु पक्षियों को पानी पिलाएं, आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज आपको बिजनेस में सफलता और फायदा मिलेगा। आज किसी के बीच बचाव से दूर रहे। आप पहले के समान ऊर्जा स्तर से भर जाएंगे और अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करने में सक्षम होंगे। बीमार लोगों की सेहत में तेजी से सुधार देखा जा सकता है। आपके वित्तीय प्रयास काफी सफल होंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि कार्यों के सार्थक परिणाम मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। माता सरस्वती की पूजा करें, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। ज्यादातर काम आज पूरे हो सकते हैं, फायदा मिल सकता है। दोस्तों के साथ कोई कार्यक्रम बन सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करें। कोई बड़ा फैसला आज आप ले सकते हैं। बिजनेस के नए मौके आपको मिलेंगे। कुछ मामलों में अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही फैसला करें। आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब अपने आप मिल सकते हैं, धैर्य रखें। आज आपको काम की कोई खास बात पता चल सकती है। छोटे बच्चों को पेन गिफ्ट करें, आपको सभी काम में सफलता मिलेगी। आज धैर्य रखते हुए परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। खुद को समय दें ताकि आप अपने उद्देश्यों को नया स्वरूप दे सके। अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाएं। अपने प्रियतम के भरोसे को ना तोड़ें। आज किसी से तकरार हो सकती है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 3। शुभ रंग है केसरी और पीला। उपाय, सफेद गाय को रोटी खिलाएं, हेल्थ बढ़िया रहेगी। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।